नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि आपका वर्षफल। जी हाँ दोस्तों, वर्षफल में ऐसे कौन से अंक हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका साल में आपके साथ क्या घटनाएं घटे होंगे, आने वाले वर्ष में क्या घटनाएं घटेंगी और ये साल कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, ख़राब जाएगा। इस वर्ष में आपको किस चीज़ में अचीवमेंट मिलेगी, किस चीज़ में आपको डिसग्रेस होगा, आपको निराशा हासिल होगी, आपको कठिनाइयों का सामना करेगा, वो कैसे होगा आज की वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के रेड बटन होगी उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं वो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के पिलाल किताब, टैरो, पामेस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन की क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चलते हैं टॉपिक की तरफ, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ दी है 13 अप्रैल 2001 और यहाँ पे ईयर लिखा है 2021, ठीक है। इनका ड्राइविंग और कंडक्टर निकाला 3 और 1। और फिर हमें क्या करना है कि आपको बेसिकली बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं हर टॉपिक्स के, तो उसको ये इसमें यहाँ पे दिया है। अगर आपको अपने हेल्थ के बारे में देखना है तो 5 नंबर को देखेंगे, जॉब के बारे में यानी कि 1 नंबर को, 1 नंबर, 8 नंबर को देखेंगे, और फाइनेंस को 3 और 6, और शादी के लिए देखना है तो 2 नंबर। तो आपको करना क्या है कि अपना ईयर टोटल नंबर बनाना है, 5 ईयर टोटल निकालना है 2021 से, उसका टोटल नंबर निकाल लीजिए 5, और लोशो ग्रिड आप क्रिएट कर लीजिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 13 अप्रैल 2001, उसके हिसाब से लोशो ग्रिड किया 4 3 111 2। बाकी के नंबर 9 5 8 7 6 नंबर मिसिंग है। तो अब आपके में देखिए कि अगर आपको हेल्थ का देखना है तो हेल्थ कैसे रहेगा। वैसे भी आपका ईयर टोटल नंबर 5 आ रहा है और हेल्थ का नंबर 5 होता है, तो और 5 नंबर आपके में मिसिंग है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हेल्थ इस साल अप एंड डाउन रहेगी, आपकी काफ़ी हेल्थ की समस्या होगी। अब आपको फाइनेंस देखना है तो फाइनेंस के लिए 3 और 6, तो 3 है लेकिन 6 नहीं है, तो इसके बाद मतलब फाइनेंस ठीक रहेगा लेकिन अप एंड डाउन होता रहेगा क्योंकि 6 नहीं है। करियर का देखना है, जॉब का देखना है, 8 और 1 होता है, तो 1 नंबर वैसे भी गड़बड़ है और 8 नंबर भी नहीं है, तो इस साल भी करियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी, ठीक है। और आपको मैरिज का देखना है, अगर मैरिज का नंबर है प्रेजेंट है तो यहाँ पे जैसे कि मैरिज का नंबर 2 है तो ये प्रेजेंट है, तो इस साल मैरिज के होने की संभावना है, बट वो होगी कि नहीं होगी वो अलग प्रोसेस है। तो ये इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के अलग अलग नंबर देख के आप बता सकते हैं कि इस साल में आपके साथ क्या क्या घटित होगा और उसका उपाय किस तरीके से हम लोग करेंगे उन ग्रहों का। तो जो जो नंबर आपके मिसिंग हैं, ख़राब हैं और आपके वर्षफल में आ रहे हैं, वो आपको उस साल से संबंधित चीज़ें आपको नुकसान हानि दे सकते हैं, तो इस तरीके से जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सपोर्ट करें। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, क्लासेस स्टार्ट है, लोशो की, वैदिक, केपी लाल किताब, टैरो, मैथ्स के प्रेडिक्शन की, फार्मेस्ट्री, वास्तु, इन सब की क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ, धन्यवाद दोस्तों हेल्प चैनल को देखने के लिए।